परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या है। तो बाल्यकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना है। विद्या या अध्ययन में रुकावट होना या पढ़ाई बीच में छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर ऐसी कोई आर्थिक या शारीरिक बाधा जिसे अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। फिर विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का ही एक कारण है। यदि ऐसी स्थिति दिखाई दे तो निश्चित ही किसी विद्वान ज्योति से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही दोष के चलते वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाह के बाद तलाक की स्थिति भी पैदा हो जाती है। एक अन्य लक्षण काल सर्प दोष का है संतान का न होना। और यदि संतान हो भी जाए तो उसकी प्रगति में, उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। फिर परिजन तथा सहयोगी से धोखा खाना, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनका आपने कभी भला किया हो। घर में कोई सदस्य यदि लंबे समय से बीमार है और वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा है तो साथ ही बीमारी का कारण भी नहीं पता चल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि काल सर्प दोष है। आए दिन घटना दुर्घटनाएं होते रहना, रोजगार में दिक्कत या फिर रोजगार हो तो उस रोजगार में बरकत नहीं, तो ये समझ लेना चाहिए कि काल सर्प दोष चल रहा है। इस दोष के चलते घर की महिलाओं को कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। रोज घर में कलह होता है, पारिवारिक एकता खत्म होती है। घर परिवार मांगलिक कार्यों के दौरान बाधा उत्पन्न होता है। यदि परिवार में किसी का गर्भपात या काल मृत्यु हुई हो तो यह भी काल सर्प दोष का लक्षण है। घर के किसी सदस्य पर प्रेत बाधा का प्रकोप रहना, ये पूरे दिन दिमाग में अगर चिड़चिड़ापन है तो यह समझ लेना चाहिए कि काल सर्प दोष है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।